नमस्कार चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा किसान भाइयों चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं वहां पर हम जायजा लेते हैं कि, कि किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरतल पर काम कर रही है आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है पंजाब के जिला जलंधर में जिसका गाँव पड़ता है राजोवाल ब्लॉक है नूर महल वहाँ पर हम जानेंगे कि पराली का प्रबंधन हमारे किसान भाई किस तरीके से कर रहे हैं आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान भाई हैं किस तरीके से पराली का गट्ठा बना के उसके बाद खेत से उसको उठवा के गत्ता मील या अन्य किसी जगह पर उसको देकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं तो आप भी पराली का प्रबंधन करें और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें अब हम आपको लेकर चलेंगे गांव में आइए चलिए हमारे साथ आपको लेकर चलते हैं गांव के अंदर तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दें। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव राजूवाल में लेकर चलेंगे हमारी जो चौपाल है वो सच चुकी है आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर रूपेंद्र चंडेल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं जी आप बताइए फसल अवशेष प्रबंधन क्या है फसल अवशेष प्रबंधन का मतलब है हम जो भी कोई फसल खेतों में बीज रहे हैं जब उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो अवशेष बचते हैं तो उसको हमें खेत में संभालना बहुत ज़रूरी है जिससे मिट्टी की जो शक्ति अब जो शक्ति बनी रहे उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग अलग मशीनें है, जैसे हैप्पी सीटर मशीन है स्मार्ट सीटर मशीन है और सरफे सीटर ये मशीनें जो है हम किसानों के बीच में प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो जो है इनके साथ एक ही ऑपरेशन में कंबाइन से जब धान कट जाता है उसके बाद बिजाई कर सकें और जो पराली है खेतों में रह जाए उसको बीच में मिला जो है मिट्टी की जो है उपजाऊ शक्ति बढ़ सके तो इसके लिए हम इन जो है हमने इन गाँव को चुनते हैं और इसमें इन मशीनों का प्रचार करते हैं प्रदर्शनी भी लगवाते हैं और बाद में जो है फसल का जो निरीक्षण भी करते हैं समय समय के ऊपर देखिए आपको बताया फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में कि यहाँ पर किस तरीके से फसल के अवशेष को प्रबंध करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताइए आप खड़े हो जाइए ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में ये जो पराली है इसको आप कैसे प्रबंध कर है? रहे हैं ये है। गंडा जो बना देती है लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से फायदा होता है होता है प्रदूषण की कमी होंगी है तो बाकी फसल वजिया होंगी जो आप इधर पराली च बीजते हैं कणक नहीं सही होंगी जो आप गंढा बना देंगे वजी परा जाने के कणक सही कोई है तो जो आप उसको जो गार्ड बना रहे हैं जो गटरी बना के उसको बाहर बेचते हैं उसको नहीं वो आप ही ले जाते हैं साढ़े तो है वो आप ही ले जाते हैं वो अपना वो बेच दे किसी ना जिन्हें ना भी कनेक्ट होगा ना था आप गार्ड बना के रख देते हैं वो अपने आप उठा के ले जाते हैं वो आप ही गंड बना के आप ही ट्राली ना चक्कर जाते हैं आपका कोई खर्चा नहीं होता इसमें ਇਤ ਕੀ ਦਾ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾ ਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਤ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾ ਇਹ ਕਰੀ ਪਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਗਾਜਵੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲੇ ਜੇ ਨਾ ਕੰਡਾ ਚੱਕ ਹੋਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੂ ਹਾਂ 2-3 4-5 ਦਿਨ ਚ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के अवशेष को वो प्रबंध कर रहे हैं प्रबंध करके वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताइए फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध कर रहे हैं असं गंडा बढ़ा रहे हैं पहला बढ़ा के रेपर फ्राई दा रेपर फरा के मुड़ के फिर गंडा बना के वो चक के वह चाके लेंगे तो झाके लू पाँच सौ रुपया देना पैंता जब रेपर फरा के दे पहले जब आप जब ये प्रबंधन नहीं करते तो, तो क्या करते थे पहले? पहला तो, तो पहले क्या आग भी लगाया करते थे पहला आगे तो जब आप आग लगाते थे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है जो हमारे मित्र कीट है वो भी मर जाते थे मर जाते हो बड़ा नुकसान होता था उससे तो आज की बात करते हैं तो फायदा हो रहा है देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले की बात करते थे तो जब वो आग लगाते थे तो बहुत नुकसान होता था हमारे मित्र कीट मर जाते थे साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आग जब लगती है तो खेत में जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है उस पर प्रभाव पड़ता है आज की स्थिति की बात करते हैं प्रबंधन करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ रही है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं पराली का प्रबंधन आप कैसे करते हैं जी जी करते हैं कौन सी मशीन के साथ करते हैं पहले तो रिपर नार कटाई करते हैं उसकी फिर गड्ढा बनाते हैं गड्ढा बनाने के बाद फिर बिजाई करते हैं लगता है कि फायदा होता है इससे फायदा भी है कई बार फिर नहीं लेट हो जाते हैं मशीन इन है नहीं थोड़िया मशीन करके फिर कड़क लेट भी हो जाती बीजा तो जिदा हम पहला पराली बढ़ी है वो गंढा बढ़ने वाली मशीन आप, आप चाहते हैं कि आपको मशीने मिले उपलब्ध हो आपके लिए मशीन तो मिल सकती है पैसा इन्ना कितों लीए <laughs> <laughs> कितना कितना पैसा लगता है उसके लिए लाख देखिए हमारे मौजूद हैं आइए तो तो जा है? के है। हाँ जानते हैं जी आप बताए जी हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमने वहाँ पे एक फार्म मशीनरी बैंक बनाया हुआ है किसान भाइयों के जो मदद करने के लिए उसमें जो मशीनें जैसे कि हम पराली को जो ब्रीक करने के लिए मल्चर मशीन है उसके बाद उसको मिक्स करने के लिए हमारे पास पलाओ मशीन है और अगर सीधी सीधी बिजाई करने के लिए हैप्पी सीडर मशीन है जो कंबाइन से जब धान कट जाता है उसमें सीधी चल जाती है उसके बाद हमारे पास जो है ज़ीरो ड्रिल मशीन है जो हम किसानों को जो दे रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब उसको अगर फार्मर हमारे से लेके कम खर्चे में उसे चला के हमें वापस कर जाते हैं तो, तो उसको कितना मतलब जैसे गट्ठे बनाने वाली मशीन चाहिए उनको तो उसका शुल्क प्रतिदिन कितना होगा सर गठे बनाने वाली मशीन जो है वो मशीनें अभी हमारे पास तो नहीं है पर हमारे पास जो भी फार्मर कस्टम हायरिंग पे चला रहे हैं हमारे पास वो तो सारे लिंक हैं तो हम उनको फार्मर को ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं अगर कोई फार्मर कॉल करता है तो उसका हम कॉन्टेक्ट करवा देते हैं इस गाँव में भी कोई कस्टम हायरिंग सेंटर खुला है इस इस गांव में जो है कस्टम हायरिंग सेंटर फार्मर्स ने बनाए हुए हैं कुछ जो उनके मशीनरी है किराए के ऊपर चला रहे हैं जैसे कि हैप्पी मशीन मशीन सुपर मिशीन, ये मशीनें भी यहां पे चला रहे हैं अगर हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आपसे संपर्क करें कि जैसे वो करें कि गठे बनाने वाली मशीन चाहिए तो आप उनको सहयोग करेंगे उसमें हाँ जी हाँ जी अगर वो गांठ बनाने वाली मशीन से वो करना चाहते हैं क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मौसम में कई बार बारिश हो जाती है या फसल

उसमें फायदा होगा और साथ ही साथ जो कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं सरकार का उद्देश्य यही है कि किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर खोल के दिया जाए उससे वो लाभ की प्राप्ति करें आपको बता दें अगर आप भी कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अस्सी प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तो का छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर ये कैसे खोला जाता है जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए किसान आत्म निर्भर हो जाए अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं पाँच करोड़ से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन केंद्र में स्वेच्छा ऐसी करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव राजुवाल की चौपाल चर्चा से आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है पंजाब के जिला जलंधर से है आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र की मौजूद है आइए जानते हैं हैं जी आप बताएं अगर हमारे किसान भाई कस्टम सेंटर खोलना चाहते हैं, कैसे खोल सकते हैं अगर कोई किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जरूरी है क्योंकि ये मशीनरी का जो काम है इसमें एक अकेला बंदा जो काम नहीं कर सकता इसके लिए ग्रुप बनाना जरूरी है तो लगभग आठ से नौ जो फार्मर हैं किसान उनको इकट्ठे होना पड़ेगा ग्रुप को रजिस्टर कराना होगा ग्रुप को रजिस्टर कराने के बाद जो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आते हैं कि वो एप्लीकेशन मांगी जाती हैं कि आप कस्टमरिंग सेंटर्स के लिए अप्लाई करिए तो उसमें वो फिर अप्लाई करेंगे और उनको फिर जो जो ग्रुप्स अप्रूव होंगे उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी और उसमें वो अलग अलग जो मशीनें हैं पराली वाली मशीनें हैं जैसे कि हैप्पी सीडर है सुपर सीडर है मल्चर है पलाओ है ये मशीनें उस ग्रुप के तहत वो जो खरीद सकते हैं और उसके बाद उसको चलाने के लिए फिर वो जो है अगर वो ग्रुप ऑफ फार्मर होगा तो वो फिर क्योंकि एक किसान सारी मशीनें नहीं चला पाएंगे तो ग्रुप होगा तो उनके पास अलग अलग ट्रैक्टर होंगे तो वो मशीनें चला सकते हैं और एरिया ज़्यादा कवर कर सकते हैं मतलब गाँव की बात करें पाँच से छः एकड़ एरिया होता है तो उसके लिए हमें एक ग्रुप ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है तो अगर एक गाँव में ग्रुप बन जाएँ तो उसी में फिर वो क्या होगा फिर उस गांव की जो पराली है वो वही ग्रुप उसको जो है मैनेज कर सकता है अगर हम बात करते हैं जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर खुल गया और किसान को उस पर रेंट पे मशीन चाहिए हाँ तो उसका रेंट लगभग कितना होता है सर अगर बात करें ये पराली की मशीनें हैं जैसे कि मैं बात कर रहा था सुपर सीडर हैप्पी सीडर या स्मार्ट सीडर है अगर ये बिजाई करनी है गेहूँ की बिजाई करनी है तो ये लगभग पंद्रह से लेकर दो हज़ार तक रेंट जो है वो चार्ज करते हैं प्रति एकड़ के लिए और इसी तरीके से जो मल्चर हैं पलाव मशीनें हैं उनके भी जो चार्जिज हैं वो लगभग इतने ही हैं तो इतने चार्ज पे मतलब किसान भाई को जो भी है अपना ट्रैक्टर या कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है तो वो रेंटल बेसिस पे वो काम करवा सकते हैं देखिए आपको बताया आप किस तरीके से कस्टम हायरिंग जो सेंटर है वो गाँव में काम कर रहे हैं कैसे खोल सकते हैं तो आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताइए आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं हम लोग पराली को खेत के बीच में ही मिलाने में विश्वास रखते हैं क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होता है एक तो खाद कम डालना पड़ता है दूसरा जैसे प्रदूषण हो रहा है उससे भी हम मुक्ति पा रहे हैं तीन साल से हम सुपरसीडर से ही तीस एकड़ की खेती कर रहे हैं खेत में ही पराली को जोतते हैं हम लोग तो इस इस इसके थ्रू हमें पंजाब गवर्नमेंट से सन्मानत भी मिला है कि हम लोग जो पराली को सामने के लिए अच्छी उपरला कर रहे हैं और मैं अवेयरनेस का काम भी कर रहा हूँ चौदह पंद्रह गाँव में जाके जैसे मैं कर रहा हूँ तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं तो जब आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कई बार आपके सामने चुनौती भी आती होगी क्योंकि आप जब समझाते हैं तो कहीं आपके सामने चुनौतियां आती होंगी तो उस चुनौतियों को कैसे आप किसानों को समझाने में करते हो कि अवेयर करते हो कि जो पराली है उसका प्रबंध करने में ही फायदा है कई बार ऐसा भी देखते होंगे कि किसान जहां पहले आग लगाते थे उनको आग लगाने से प्रबंध करने में समझाने में बड़ी मुश्किल भी आती होगी हर गांव में आपको लोग मिलेंगे जो ऐसा प्रबंध कर रहे हैं तो मेरे पास उनका डाटा रहता है तो मैं उन्हीं के गांव का एग्जाम्पल दे देता हूं उनको कि वो देखो वो कर रहा है उसकी फसल अच्छी प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं तो प्रैक्टिकल देखने से ए, उसका पॉजिटिव आ जाता है अच्छा रिजल्ट मिलता है देखिए हमारे किसान भाई देखिए कितने जागरूक है वो कह रहे हैं कि वो किसानों को जागरूक कर रहे हैं वो गांव-गांव में जाके किसानों को जागरूक करते हैं कि देखो आप पराली का प्रबंध करेंगे तो उसमें फायदा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किसान है वो किसानों को जागरूक कर रहे हैं ये ये आप पंजाब से देख सकते हैं बदलती हुई तस्वीर जहां पराली को पहले आग लगाया जाता था आज की स्थिति किसान किसान ही किसान को जागरूक कर रहा है तो ये जो तस्वीर है बदलती हुई ये पंजाब की आप देख सकते हैं हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं सर हम गठे बनाकर पराली को उठा देते हैं जो रेंट पे मशीन लेकर वो ले जाते हैं उठा तो के तो हम कणक जो है सुपर सीडर से बीज देते हैं फायदा होता है सुपर सीडर है से उसमें जो हमें ज्यादा पहली बाणा नहीं पड़ता है, है जी आसानी से हो जाता है पहले बहुत बाणा पड़ता ही हूँ बाउंड की लोड नहीं है ऐसे ही सेट हो जाता है देखिए आप देख सकते हैं जो सुपर सीडर किस तरीके से आसानी से खेत में बिजाई कर देता है बहुत लाभकारी है ये यंत्र ये हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं

ज़्यादा सुपर सीडर में बिजाई हो रही है सुपर सीडर से बिजाई होती है सुपर सीडर फायदा देता है, वैसे? बहुत देता है। एक बार ही सारा काम हो जाता है कणक बीज हो जाता है <laughs> देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आसानी से सुपर सीडर जो है वो काम कर देता है और देखिए ये जो मशीनें हैं आधुनिक मशीनें जो हैं ये किसानों के लिए हैं और किसान इससे लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं हमारे बीच में और किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताइए ये फसल के अवशेष को आप कैसे प्रबंध कैसे करते हैं आप हम पाँच साल से आग नहीं लगाई पाँच साल से ना गेहूं के नाड़ को लगाई आग ना झोने की पराली को आग लगी है तो सुप्रसिडर से आप कर रहे हैं पहले सारी पराली के बीच सुप्रसिडर से खेती करते थे एक गाठ बनाई है गाठ बना के कर रहे हैं प्रबंध इस खेत है खेत के ताकत बना है उसमें रूढ़ी की खाद जो बना है उससे फायदा हुआ है लगता है प्रबंध जब ने आपने किया प्रबंध करने से फायदा महसूस किया आपने इसमें पर यह जरूर है मतलब पराली का काम है ज़्यादा ਤੇ ਮਿਸ਼ਿੰਦਰੀ ਹੈਗੀ ਘਟ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੋ ਕੋਰ ਬੜਾਇਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਜਾਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਦੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੋਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਕਣਕ ਕਲ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਸੇ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋਰ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਖਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਇਸਕ ਪਰਾਲੀ ਮਤਲਬ ਗੰਢ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਗ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਕੀ ਅਗ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਅਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ इसे यही पुराना है वैसे आग लगाने के राजी नहीं है क्योंकि आपकी जो जमीन की मिट्टी है वो भी ख़राब होती है देखिए हमारे किसान जो हैं जागरूक किसान हैं साथ ही साथ उनका एक गुजारिश है कि अगर ये जो फसल के जो अवशेष हैं उनको प्रबंध करने के लिए मशीनों की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए जिससे किसान समय पे कार्य कर पाए जी आप बताएं कृषि विज्ञान केंद्र कोई कदम उठा रहा है किसानों के लिए कि उनको और मशीनें मुहैया कराएं क्योंकि एरिया ज़्यादा है मशीनें लिमिटेड हैं और सभी किसान चाह रहे हैं कि समय पे वो प्रबंध कर पाए तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या कदम उठा रहा है सर जो मशीनों की बात है कि मशीनें जो हैं काफ़ी कस्टम हायरिंग सेंटर बन चुके हैं तो ऐसे है कि ऐसे अगर कुछ गांव में इस कस्टम हायरिंग सेंटर्स नहीं है अगर साथ वाले गांव में है तो हम उनके कॉन्टैक्ट हैं उनसे शेयर करवा देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू या कॉल करके उनको बता दिया जाता है क्योंकि मशीनरी का क्या है कि अवेलेबिलिटी होती है कई बार किसान भाई को पता नहीं होता है तो मशीनरी जो है Uh, और भी अभी uh, जो है गवर्नमेंट की तरफ से है जो हर साल जो है वो मांगे जाते हैं एप्लीकेशन मांगी जाती हैं तो वो मशीनरी की जो नंबर भी है वो बढ़ रहा है तो कृषि विज्ञान केंद्र से वो किसान भाई संपर्क कर सकते हैं हाँ जी हाँ जी अगर वो संपर्क करना चाहते हैं हाँ तो आपका कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा पता हाँ जी तो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये डिस्ट्रिक्ट जलंधर का है और इसकी जो लोकेशन है ये नूर महल में स्थित है तो हमारे जो व्हाट्सएप हमारे हमने क्या किया जो ब्लॉक वाइज़ जो हैं फार्मर्स के ग्रुप बना रखे हैं जैसे कि नूर महल ब्लॉक है नकोदर है मैथपुर है तो जो समय समय पर सारी जानकारी है सारे ब्लॉक्स में जो हम शेयर करते रहते हैं आपका फ़ोन नंबर क्योंकि किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो आपका फ़ोन नंबर जी मेरा नंबर है अठानवे देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने आपको पता बताया और साथ ही साथ अपना संपर्क सूत्र दिया तो आप उनसे संपर्क करके अगर आपको भी लगता है कि आपको मशीनों की जरूरत है तो आप सीधा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं डॉक्टर रुपेंद्र जी आप उनसे संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे कि फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ क्या हो रहा है काशवी इतने कम मार्क्स काशू बेटा पढ़ा करो पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ पढ़ा करो आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे मतलब वो देखो सिर्फ छुपा ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक का निशान पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत तरीके से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं अब समझे मम्मा अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं करू अच्छा बच्चों जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए अरे, अरे 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 क्या कर रहा है इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहे पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन खातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती अच्छा थी हाँ। माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा तो सभी डाले हैं। सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं ठीक है भाई मैं भी आज जैविक खेती शुरू करूँगा माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जिला जलंधर की चौपाल चर्चा से आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है पंजाब के जिला जलंधर से है आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है आइए जानते हैं जी आप बताएं फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं जी ऐसी फसल तो कटा के मड़ के हाँ दूजे मशीन गट्ठा बना लेंगे गठा बना के कण बीत है

कि जो आप प्रबंध कर रहे हैं लगता है कि इससे कुछ फायदा होता है फायदा है पहले क्या करते थे पहले ही लगाते थे जब आग लगाते थे तो हमारे मित्र कीट भी मरते थे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे भी फर्क पड़ता था कभी महसूस किया आपने इन सब चीजों को तो के भी अब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है बढ़ती है देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले की बात करते हैं तो आग लगाते थे आग लगाते थे तो हमारे मित्र कीट मरते थे मित्र कीट मरते थे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे फर्क पड़ता था आज की स्थिति की बात करते हैं तो गांठ बना देते हैं और उससे वो प्रबंध कर रहे हैं जी आप बताइए फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध कर रहे हैं पहला था जी आग लगा ऐसे थे हाँ जी हम कट्ठा बना के चकल जाते हैं तो मशीन ने देते हैं कोई कीड़ा नहीं मरता एक धुएं धुएँ देखा ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਆਦੀ ਬੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛਿੱਟੀ ਜਿਆਦੀ ਜੰਮਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੋਂਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਜਣ ਜ਼ਮੀਨ ਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਛਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ और अगर बात करते हैं फसल अच्छी हो रही है तो देखिए प्रबंध करने के कितने फायदे हैं हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं आप किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं सर हमारा जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है जलंधर में स्थित है तो हमारा तो मेन मोटिव ये है कि फार्मर्स को अवेयर करना उसके लिए हमारे पास सबसे पहला काम होता है ट्रेनिंग्स का यदि हम डाइवर्सिफ़िकेशन की बात करें जो आज हम फसल प्रबंधन की बात करेंगे उसके सबसे पहला जो पार्ट है वो ट्रेनिंगस का हम ट्रेनिंग देते हैं फार्मर को यदि कोई फार्मर पूछे कि हम कैसे कर सकते हैं तो सारा उनको प्रैक्टिकली बताया जाता है और उसके बाद ये है कि हम बहुत अवेयरनेस करते हैं कैंप के थ्रू अवेयरनेस कैंप लगाते हैं गाँव गाँव जाते हैं यदि हम फसल प्रबंधन की बात करें यदि हम कुछ सब्सिडरी ऑक्यूपेशन की बात करें कद या हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करी तो उसके लिए कि हम एक गांव को अडॉप्ट करते हैं जैसे हर साल हम गांव फिर बदलते रहते हैं और उन गांव में सारी टेक्नोलॉजी को हम पसार करते हैं फिर दूसरे गांव देखते हैं तो ऐसे करना हमारा काम है हम प्रदर्शनी लगाते हैं क्योंकि फार्मर ऐसे तो मानेगा नहीं मैं बोलूंगी कि ये कर दो वो कर दो तो वो नहीं मानेगा हम उसको वो बात उसके प्रैक्टिकली खेत पे करके दिखाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी लगाते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी भी लगाते हैं तो उसके कारण क्या होता है फिर वो अपने आप फर्क देखता है जब वो फ़र्क देखता है तो फिर वो क्या होता है कि दस को बताएगा दस आगे बीस को बताएंगे ऐसे जो हमारी एक्सटेंशन है उसका पसार होता रहता है हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आ, हमने बनाए हुए हैं उनका मेन काम ही ये है कि फार्मर को अवेयर करना घर घर जाकर गांव-गांव जाकर जैसे भी हम जो गांव अडॉप्ट करते हैं यो भी यूनिवर्सिटी से हमें कोई टेक्नोलॉजी मिलती है कोई वैरायटी मिलती है कोई नई चीज़ मिलती है वो हमारा काम ये है कि हमने फार्मर सर पंचाना के साथ पहुँचाना कि फार्मर की भलाई हो सके हम तो फार्मर की भलाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं टीवी पे पर दिए गए क्यू कोड को स्कैन करें आज के गांव राजूवाल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान नमस्कार नमस्कार मैं हूँ